नमस्कार, अवतार स्टडी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मित्रों, आज हम कैलेंडर की जो नेक्स्ट टाइप की उसमें बात करेंगे माह की पुनरावृत्ति। इसमें हम समझेंगे कि कैसे माह की पुनरावृत्ति होती है और इस प्रकार के कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। आज हमारी ये चौथी क्लास या पाँचवीं क्लास है हमारी, और चार क्लास हम पीछे ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप प्लेलिस्ट जाइए और वहाँ से उस चार क्लास को देखकर फिर ये आप क्लास करिए। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा आज का है माह की पुनरावृत्ति। अब माह की पुनरावृत्ति दो प्रकार की हो सकती है, या तो हमारा वो वर्ष लीप हो या हमारा वो वर्ष सामान्य वर्ष हो। तो इस प्रकार में हम वहाँ पर दो प्रकार से उसको देखेंगे कि कैसे जो सामान्य वर्ष होगा उस माह की पुनरावृत्ति कैसे होगी, और अगर कोई लीप वर्ष है तो उस लीप में उस माह की पुनरावृत्ति कैसे होगी। चलिए समझते हैं इसके माध्यम से। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए देखते हैं अगला, इसमें जो हमारा इसका जो नियम है वो क्या है। देखो, पहले हम बात करते हैं कि जो वर्ष होते हैं हमारे वर्ष, ये वर्ष क्या क्या होंगे। तो ये वर्ष हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य वर्ष होता है, एक होता है सामान्य वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, लीप यानी अधिवर्ष, एक होगा अधिवर्ष। सामान्य वर्ष जो होता है वो हम बता चुके हैं पहली क्लास में कि कैसे होगा, अधिवर्ष कैसे होगा ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें बताते हैं कि मंथ का कोड क्या होता है। एक जो मंथ का कोड होता है वो क्या होता है, उस पर हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अब एक हमारा मंथ का कोड होता है, तो मंथ के कोड दो होते हैं। देखो पहले ध्यान से, एक सामान्य जो वर्ष का जो मंथ कोड होता है वो क्या होता है, तो होता है 144, 025, 036, 146। ठीक है, ये क्या है सामान्य वर्ष का। अब सामान्य वर्ष अगर बात करें तो सामान्य वर्ष के कौन कौन से ऐसे मंथ होते हैं जो सेम होते हैं, यानी इसमें जो भी कोड होगा वो मंथ क्या होंगे, सेम। यानी कोड अगर सेम तो मंथ भी क्या होंगे, सेम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखो पहले इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ये पहला यहाँ पे एक है और यहाँ भी एक है, तो ये कैसा मंथ है हमारा, ये हमारा जनवरी है, और ये कैसा है, ये हमारा नवंबर है, नवंबर नहीं है अक्टूबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हमारा जनवरी है, जनवरी और जो अक्टूबर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कोई भी एक सामान्य वर्ष होगा उस सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर ये दो मंथ सेम। सेम इन द सेंस मतलब क्या होगा, सेम का मतलब यह होगा कि जनवरी का पहला दिन सोमवार है तो अक्टूबर का भी पहला दिन सोमवार होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे फोर है, यहाँ फोर है और यहाँ फोर है, तो ये कैसा मंथ है, ये हमारा मार्च है। मार्च के बाद ये कैसा है, ये अप्रैल है, और ये क्या है, ये नवंबर। तो किसी भी सामान्य वर्ष में तीन मंथ जो होंगे वो हमेशा सेम होंगे, कौन कौन से, मार्च, अप्रैल और नवंबर, ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी सामान्य वर्ष में मार्च, अप्रैल, नवंबर तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आगे देखो अगला सेम कोड क्या है, तो अगला यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, ये क्या है, ये हमारा है, ये कैसा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, ये क्या होगा, ये फरवरी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये फरवरी होगा, यहाँ गलती हो गई है, ये फरवरी और ये मार्च। ठीक है, आप समझ जाओगे, फरवरी, मार्च और नवंबर, ना चार, ये चार, ये और चार, ये तो फरवरी, मार्च और नवंबर क्या होते हैं, सेम। यहाँ पे देखो जीरो है, जीरो मतलब क्या होगा, ये वैसे किसका कोड है, अप्रैल का। ठीक है, ये किसका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये किसका है, जुलाई का, तो अप्रैल और जुलाई भी क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे आगे देखो, और आगे क्या मैच करेगा, तो यहाँ पे छः है और यहाँ पे छः है, ये किसका है, ये हमारा है अगस्त, सितंबर। ठीक है, सितंबर और दिसंबर ये दोनों क्या होते हैं, ये भी सेम होते हैं। तो सामान्य वर्ष में सितंबर और दिसंबर ये भी क्या होते हैं, सेम। अब आपसे पूछेगा कि सामान्य वर्ष में कौन से ऐसे मंथ होते हैं जो सेम नहीं होते। देखो ध्यान से, किस कौन सा ऐसा कोड है जो सेम नहीं है, तो दो का कोई भी, दो सेम नहीं है, दो के साथ साथ फिर पाँच सेम नहीं है, और क्या है, तीन सेम नहीं है। ये कैसा है, ये है मई, ये है जून और ये है अगस्त। ठीक है, तो मई, जून
और अगस्त, ठीक है, ये क्या होते हैं, सेम नहीं होते। याद रखना कि सामान्य वर्ष में तीन ऐसे मंथ होते हैं जो सेम नहीं होते, कौन कौन से, मई, जून और अगस्त। लेकिन सामान्य वर्ष में तीन मंथ ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फरवरी, मार्च, नवंबर। तो ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन मई, जून और अगस्त ये सेम नहीं होते, अर्थात ये जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। तो ये सामान्य वर्ष की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें अब अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष में क्या क्या होगा, देखो ध्यान से, पहले लीप वर्ष वाले जो वर्ष होंगे उसमें कौन कौन से मंथ सेम होते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि अधिवर्ष वाला, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, ठीक है। अधिवर्ष के जो माह होंगे वो सेम कब होंगे या कौन कौन से होंगे, तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, दोनों में सेम कोड है लेकिन कुछ परिवर्तन है। जैसे फरवरी और जनवरी का कोड जो होगा, अगर वो लीप वर्ष होगा तो उस कंडीशन में उस कोड में एक माइनस करना होता है। देखो हमारा अभी कोड क्या था, 144, 025, 036 और क्या था, 146। तो ये सामान्य वर्ष का था, लेकिन अगर अधिवर्ष है तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर अधिवर्ष होगा तो उस कंडीशन में दो जो हमारे मंथ हैं जनवरी और फरवरी, उसमें उसके कोड में एक एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखा है हमारा 1 और 3, तो यहाँ पे एक माइनस करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो ये अधिवर्ष का हमारा कोड हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम प्रक्रिया कर देंगे, जिसका सेम कोड है वो सेम मंथ क्या होगा, मंथ हमारा सेम होगा। तो यहाँ पे 0 0 0, ये क्या है, सेम। अब मंथ कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, जनवरी। ये बराबर होगा किसका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये क्या है, जुलाई। यानी किसी भी लीप वर्ष में तीन मंथ क्या होते हैं, सेम, और कौन कौन से होते हैं, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। अब आगे देखो अगला किसका किसका कोड मैच कर रहा है, ठीक है, जिसका जिसका मैच करेगा वो क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे क्या है, तीन है, तो ये कैसा है, ये हमारा फरवरी है, फरवरी, और ये क्या है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यानी किसी भी लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त क्या होते हैं, सेम मंथ होते हैं। और क्या है, ये मार्च है, और ये क्या है, ये क्या है, नवंबर है। तो मार्च और नवंबर भी क्या होंगे, मार्च और नवंबर भी क्या होंगे, बताइए, सेम हो जाएंगे, ठीक है। और क्या मैच कर रहा है, तो और देखो यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है नहीं, यहाँ पे हाँ कर रहा है, क्या, 6 और 6, तो ये कैसा होगा, अक्टूबर और दिसंबर भी क्या होगा, सेम होगा। अब सेम क्या क्या नहीं होगा, देखो पहले ध्यान से, सेम क्या क्या नहीं होगा, कौन से ऐसे मंथ होते हैं तीन जो सेम नहीं होते, तो देखो यहाँ पे सेम कौन कौन सा नहीं है, तो सेम की बात कर लें तो सेम हमारा कौन कौन सा नहीं होगा, दो क्या सेम है, नहीं। उसके बाद क्या एक सेम है, नहीं। क्या पांच सेम है, नहीं। तो यहाँ पे मंथ कौन से हो जाएंगे, ये अप्रैल, मई हो जाएगा, जून हो जाएगा, ठीक है, तो मई और क्या होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अक्टूबर। एक गलती हो गई ना यहाँ पे, देखो ये अक्टूबर, हाँ ये हो जाएगा मार्च, हाँ सही है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने अक्टूबर जो लिख दिया है ना ये गलत लिखा है, ठीक है, ये क्या है, ये है सितंबर, अक्टूबर, नौ, हाँ सितंबर है, ठीक है, ये सितंबर और दिसंबर दोनों सेम है, ये सही है। तो किसी भी लीप वर्ष में मई, जून और अक्टूबर क्या होते हैं, सेम नहीं होते। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, पूछेगा कि किस अधिवर्ष में कौन से तीन मंथ सेम होते हैं, तो क्या होगा, जून क्या होगा, जनवरी होगा, अप्रैल होगा, जुलाई सेम होते हैं, और सेम कौन से नहीं होते, तो क्या होगा, मई होगा, जून होगा, अक्टूबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे ये हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहला, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने हैं जो प्रथम दिन क्या होंगे, समान होते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि सामान्य वर्ष का कोड क्या होता है, 144, 025, 036, 146, ठीक है। तो जो कौन कौन सा होगा, जनवरी होगा, और कौन होगा, नहीं जनवरी नहीं, कौन सा होगा बताओ, फरवरी, मार्च और नवंबर, ठीक है। देखो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो सेम इसका कोड अगर सेम है तो तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। तीन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी, यानी फरवरी, मार्च और नवंबर। साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च, नवंबर ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं।
आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि साधारण वर्ष में अप्रैल महीना का प्रथम दिन जिस अन्य महीने की प्रथम दिन के समान होगा वह कौन सा है। ठीक है, साधारण वर्ष की बात कर रहा है तो सबको पता है साधारण वर्ष का कोड कितना होता है, 144 025 036 146। अब देखो ध्यान से, अप्रैल कौन सा है तो अप्रैल क्या है हमारा, ये जीरो वाला अप्रैल है और यहाँ पे जीरो वाले में क्या है सेम, तो ये अप्रैल है, ये मई है, जून, ये जुलाई, तो किस में पता होगा जुलाई में क्या होगा, अप्रैल मंथ हमारा क्या होता है सेम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो अप्रैल का महीना है वह सामान्य वर्ष में जुलाई के साथ क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब देखते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पे लीप की बात हो गई है, लीप वर्ष में फरवरी और कौन से महीने प्रथम दिन समान होंगे। ठीक है, तो लीप का कोड आप जानते हो, यहाँ पे फरवरी और जनवरी में एक एक माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर तीन, बाकी सब कुछ क्या है वही है, 025 036 146। ठीक है, पूछ रहा है फरवरी, तो फरवरी यहाँ पे तीन है, यहाँ पे है और यहाँ पे तीन है, तो ये फरवरी है, ये क्या है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो फरवरी के साथ में क्या बताओ सेम क्या होगा, अगस्त क्या होगा सेम हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी लीप वर्ष में फरवरी जो होगी वह अगस्त के साथ क्या होगी, अगस्त फरवरी दोनों क्या होंगे समान होंगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साधारण वर्ष का जनवरी महीना उसी वर्ष के किस महीने के समान होगा। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल अर्थात साधारण वर्ष है, जनरल वर्ष है, तो कोड हमारा आप जानते हैं 144 025 046 100 036 146 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज जनवरी है, ये हमारा जनवरी है, अब देखो एक यहाँ पे है तो एक कहाँ है यहाँ पे, तो क्या होगा बताओ, अक्टूबर होगा, क्या होगा अक्टूबर और जनवरी क्या होंगे सेम, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चार ही क्वेश्चन है और चार क्वेश्चन में आपको ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, और हाँ, जो कल हमारा टॉपिक होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, कैलेंडर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम चर्चा करेंगे, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें एक टेस्ट करवाऊंगा और टेस्ट करवा के जितने भी क्वेश्चन होंगे डाउट के रूप में जो आपको प्रॉब्लम करते होंगे वो सभी मैं यहाँ पर चर्चा कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।